हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल एंड टुडे वी डिस्कस ऑब्जर्वेशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चन ईयर। अब उनका एक्सप्लेन वर्जन आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, रिकॉर्डिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पीपल। हम जब भी ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे रिसर्च के मामले में, तब हम बिहेवियर को, एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। जैसे वो कोई भी नई चीज़ देखता है तो क्या वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए अपने आप को फोर्स करता है या फिर वो उस चीज़ को नहीं ख़रीदता। या फिर कोई न्यू चॉकलेट आई है, डेरी मिल्क सिल्क आई थी, कितने लोग उसको परचेज़ करना पसंद करते थे, वो क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हमें कैसे पता चलता है, या तो हम कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कि वो उसके फेस फेस पे कैसे भाव आए हुए हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है वो पर्सन क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। या फिर हम मैकेनिकली, मतलब कि मैकेनिकली फॉर्म में हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लाइक CCTV कैमरा लगा दिए। कोई पर्सन है मॉल में इंटर करता है, मॉल में इंटर करते ही वो सबसे पहले क्या देखता है, या उसकी नज़र सबसे पहले किस चीज़ पे जाती है। या फिर सुपरमार्केट में इंटर करता है, वो सबसे पहले किस कॉलम में जाता है, क्या देखता है सबसे पहले। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके हम उनके बिहेवियर पैटर्न को पता लगा सकते हैं। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मतलब कि रिसर्चर क्या करता है, जो भी उसको देखना होता है, एवरीथिंग वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि उसको क्या ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, कितना ऑब्जर्व करना है, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है। अनस्ट्रक्चर में डिसाइडेड नहीं होता, वो इमीडिएट एक्शन लेता है, इमीडिएट ऑब्जर्वेशन करता है, जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब कुछ टाइम में ऐसा होता है जिस बंदे को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो जिस ग्रुप का पार्ट होता है, हम भी उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, तो होता है पार्टिसिपेट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब कि हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते, हम दूर रह के उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हम किसी बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैमरा के थ्रू, बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू हम ऑब्जर्व करें किसी पर्सन को। तो इससे क्या होता है, उस पर्सन को पता भी नहीं होता कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे। इन सब में यही बेसिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इसमें सबसे बेस्ट क्या है, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें हम एक स्क्रीन के ऊपर वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, छोटी बात को देख के या किसी भी चीज़ को देख के वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो हमें पता चल जाता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि एडवांटेज ये हो सकते हैं कि कॉरपोरेशन होता है, रिस्पोंडेंट जो है वो उसको पता नहीं होता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपना रियल में जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव करता है। लेकिन यही इससे ऑपोजिट हो जाता है, अगर हमें पता है कि कोई बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो हम मैकेनिकली उसको देखने लग जाते हैं कि वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ एक लिमिटेशन है, लैक ऑफ कंट्रोल, हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उस बंदे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस बंदे की बात को समझ सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए भी हमें बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे, 4 बंदे 5 बंदे 6 बंदे, उस पूरे कल्चर को, उस पूरे मॉल का अगर हम एग्जांपल लें तो पूरे मॉल को ऑब्जर्व करने के लिए हमें 6 बंदों की ज़रूरत होगी, तो उसको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, तो ये कॉस्टली हो जाता है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमें सिर्फ उस मॉल में आने वाले लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। लिमिटेड स्टडी मतलब कि स्कोप जो है स्टडी का बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत वाइड नहीं होता, बहुत कम स्कोप होता है हमारी रिसर्च का। ऑब्जर्वेशन, अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ किसी बंदे को तो मैं ये थोड़ी ना कि जो मुझसे 25 किलोमीटर दूर है या 30 किलोमीटर दूर है उसको ऑब्जर्व कर पाऊँगी, मुझे उसके थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकती और मैं हर एक बंदे को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, एक बंदे को या 2 बंदे को ही ऑब्जर्व कर पाऊँगी। नेक्स्ट इज इंटरव्यू।
नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, ये दो पर्सन के बीच एक कन्वर्जन होती है, मतलब कन्वर्सेशन, बात करना, बातचीत करना। इंटरव्यू और इंटरव्यूअर और इंटरव्यू, ये दो पर्सन होते हैं जो एक टॉपिक के ऊपर, जब भी हमें रिसर्च करनी होती है एक टॉपिक के ऊपर, वो एक दूसरे से बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। लाइक आपने सुना होगा कि आज मेरा इंटरव्यू है, लोग कहते हैं ना आज मेरा इंटरव्यू है, मतलब आपको जानने के लिए वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं जिसको हम इंटरव्यू कह देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरव्यू, जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन बाय फेस पूछते हैं, मतलब कि मेरे सामने पर्सन बैठा है और मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो वो क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। सेकंड वन इज़ टेलीफोन इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, मैं फ़ोन पे क्वेश्चंस पूछती हूँ। कई आजकल कंपनीज अपने कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू करने लगे हैं, वो टेलीफोन्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने पूरे रिसर्च के बारे में। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों को होता है। इंटरव्यूअर का कॉस्ट कम पड़ जाता है और इंटरव्यूई के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती। पहले एक से बात करो, दूसरे से बात करो, वो क्या करता है टेलीफोन के थ्रू कुछ एक क्वेश्चन जो उसे पूछने होते हैं वो पूछ लेता है ईजिली। थर्ड वन इज़ मेल इंटरव्यू। मेल इंटरव्यू मतलब कि हम उसको अपना क्वेश्चन ईयर मेल कर देते हैं, हमने क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर किया उसका इंटरव्यू लेने के लिए, कुछ एक क्वेश्चन हमने पेपर पे लिखे और वो उसको मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो हो गया हमारा मेल इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब जो भी हम पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, कब पूछेंगे, वो सारा हम एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और उसी का ऑपोजिट होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर से ही हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता, हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है हम वो पूछते हैं रिलेटेड टू रिसर्च। यहाँ पे सबसे मेन फोकस देने की बात है कि वो रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू मतलब कि एक इंटरव्यू के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आना, मतलब एक क्वेश्चन हमने पुट किया और फिर उसी का एक और क्वेश्चन हमने पूछ लिया साथ के साथ, डेप्थ इंटरव्यू। तो इससे क्या होता है, उसी क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन निकाल के लेके आना, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछना, डीप नॉलेज गेट करना उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। लाइक आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप जो है वाटर है, रोज़ वाटर है, कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो, कोई कहता है पतंजलि का, पतंजलि का ही क्यों यूज़ करते हो, उसके क्या बेनिफिट्स है, तो ये क्या क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल के लेके आना, दैट इज़ डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट एंड फाइनल इज पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, चार पांच बंदे एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब मल्टीपल इंटरव्यूअर का एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारा होता है पैनल इंटरव्यू। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे इंटरव्यू क्या होता है, इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, हम पर्सनली उस बंदे से मिल पाते, उसके आंसर के टाइम पे उसका फेस कैसा है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो सब हमें पता चल जाता है। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।